morning, students. Today we will discuss about the fishing methods. आज हम जूलॉजी के जो स्पेशल सिक्स स्पेशल पेपर है फिश एंड फिशरीज उसके फिशिंग मेथड के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे. इसमें फिशिंग मेथड्स में क्राफ्ट नॉन मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड एंड गियर्स यूज्ड इन इंडिया फॉर फिशिंग इन इनलैंड एंड मराइन वाटर रिसेंट एडवांसेज इन फिशिंग मेथड्स एंड इलेक्ट्रिकल फिशिंग एंड लाइट फिशिंग इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले लेते हैं फिशिंग मेथड्स क्या है इंट्रोडक्शन. फिशरमैन यूज ए वाइड रेंज ऑफ गियर टू लैंड देयर कैच. जो फिशरमैन होता है यानी मछली पकड़ने वाला व्यक्ति होता है वह बहुत सारी चीजों का उपयोग करता है मछलियों को पकड़ने के लिए. Every type has its own effect on the ocean. हर एक बार उसका एक अपना ओशियन पर अपना प्रभाव होता है. ये एवरी टाइप प्रत्येक जो फिशिंग मेथड है उसका अपना एक अलग अंदाज होता है अपना अलग प्रभाव होता है. By selecting the right gear for the right job and fishing industry can help minimize its impact on the environment. जो सही गियर कहते हैं मछलियों को पकड़ने की मैकेनिज्म. अगर वो सही मायने में अगर सही है तो वो एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट कम डालेगी. अदरवाइज एनवायरनमेंट का खतरा सबसे ज्यादा होता है जब फिशिंग की जाती है तो सबसे ज्यादा प्रभावित उस अन्य जीवों का हैबिटेट भी होता है और एनवायरनमेंट पर भी क्लाइमेट पर भी चेंज होता है. तो उस क्लाइमेट पर ये असर न पड़े इसलिए अच्छे टाइप के जो गियर होते हैं अच्छे टाइप के जो नेट होते हैं वह उपयोग में लाए जाते हैं. तो इनलैंड फिशिंग मेथड्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो इनलैंड फिशिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन सी थी. द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कंस्टिट्यूट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड फिशरी रिसोर्सेज इन कंट्री स्प्रेडिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स एंड पासिंग थ्रू माउंटेन्स वैलीज प्लेन्स रिवाइंस एंड अदर इनएक्सेसिबल एरियाज. इनलैंड फिशिंग इन इंडिया इज ए मेजर इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग 14.5 मिलियन पीपल. लगभग 14.5 मिलियन लोग 14.5 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 1.4 करोड़ लोग जो हैं वो इस फिशिंग इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर लगे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट पा रहे हैं. इंडिया रैंक सेकंड इन द एक्वाकल्चर एंड थर्ड फिशरीज प्रोडक्शन. सिंपल नेट हैव बीन यूज्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो लंबे समय से एक जो है ना साधारण नेट काम में लिए जा रहे हैं जैसे कि ये एक एंशियंट इंडिया है सिंपल नेट है जो शुरुआत से इंडिया में ये पकड़े जाते थे नदी के किनारे पकड़ता हुआ एक व्यक्ति इसमें सिंपल नेट के द्वारा काम में ले रहा है मछली पकड़ रहा है. मराइन फिशिंग मेथड इन इंडिया. समुद्र के अंदर से किस प्रकार से मछलियां पकड़ी जाती थी. साल्ट वाटर फिशिंग यानी कि मराइन साल्ट वाटर कहते हैं मराइन यानी समुद्र का पानी. साल्ट वाटर फिशिंग इज डन फ्रॉम ए बीच नियर सी ऑफ रॉक फ्रॉम द पायर और फ्रॉम द बोट विद ए सिंपल नेट and which may be very incise from the rowboat in inland waters of ocean going craft of the considerable size. विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और नेट्स जो है काम में लिए जाते हैं समुद्र के अंदर समुद्र के किनारे पर पकड़ने के लिए और यह समुद्र के बीच में जाकर के मछली पकड़ने के लिए ये विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट काम में लिए जाते हैं. फिश यूजली कॉट फ्रॉम शोर इंक्लूड स्ट्रिप्ड बास ब्लू फिश टार्पोन बोन फिश एंड परमिट्स. ये सारी जो मछलियां हैं वो इससे मराइन फिशिंग में आती हैं. साल्ट वाटर एंगलर फिशिंग फ्रॉम द बोट टेक ग्रुपर फ्लोंडर स्नैपर मैकरल्स एंड मेनी अदर स्पीसीज ऑफ ट्रोलिंग एंड बॉटम फिशिंग. ट्रोलिंग कहते हैं कि नाव के पीछे एक जाल बांध करके उसको खींचा जाता है ताकि उसके साथ में मछलियां और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो उस जाल के अंदर फंस जाते हैं और उनको निकाल लिया जाता है. तो इस प्रकार की वो ट्रोलिंग के साथ में ये किया जाता है उससे ये जो है ना मछली पकड़ना और मछली के साथ साथ बहुत सारे एनिमल भी इसमें पकड़े जाते हैं साल्ट वाटर के अंदर. जैसे कि ये केरला का फिशिंग बोट कोलाम है. केरला का एक कोलाम जगह है जहां पर ये विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी नाव दिखाई दे रही है. ये नाव जो है वो फिशिंग करते हैं यानी मछलियां पकड़ने वाली नाव है. The five basic methods of fish angling are the bait fishing, fly fishing, bait casting, spinning and trolling. These are all are used in both freshwater and saltwater angling. यानी एंगलिंग कहते हैं मछली पकड़ने के लिए जाल में फंसाने को मछली को फंसाना एंगलिंग कहलाता है. तो उसमें ये पांचों प्रकार की जो मेथड है वो फ्रेशवाटर में भी काम में आती हैं और मरीन वाटर में भी काम में आती हैं. दोनों दोनों ही जगह पर मछली पकड़ने के काम में आती हैं.
एक-एक करके हम इसका डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेते हैं बेट फिशिंग. बेट कहते हैं शिकार, बेट कहते हैं उसके लिए कोई शिकार, एल्यूर यानी प्रलोभन देना. बेट इज सर्टेनली द ओल्डेस्ट और मोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड मेथड इन फ्रेश वाटर फिशिंग. इट इज यूज्ड टू कैच कोर्स और रफ फिश एंड दीज इंक्लूड द ब्रीम, बार्फ, टेंच, डेस एंड अदर नॉन गेम फिशेस. जो नॉन गेम फिशेस हैं उनको पकड़ने के लिए ये बेट फिशिंग काम में ली जाती है. बेट फिशिंग मतलब एक प्रलोभन दिया जाता है मछलियों को, कुछ खाना दिया जाता है उस पर एक एंगलर पर लटका करके, और उसको वो खाती है और उसको स्वालो करती है यानी निकलती है और वो फंस जाती है उसके अंदर और फिर उसको एंगलर से बाहर निकल लिया जाता है. बेट इज इम्पेल्ड ऑन ए हुक, एक हुक पर इम्पेल किया जाता है. विच इज द सेट बाय द एंगलर रेजिंग द टिप ऑफ द रॉड व्हेन द फिश स्वालोड इट एंड जब ये फिश जो है इसको खाती है तो उसमें फंस जाती है. कॉमन बेट इन फिशिंग इंक्लूड द वर्म्स, मैगट्स, स्मॉल फिश, ब्रेड फिश एंड चीज एंड स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल एंड ग्रेन्स. ये सारी चीजें बेट मछलियों के बेट के लिए, भोजन के लिए काम में ली जाती हैं. मैगट्स काम में ले सकते हैं, वर्म्स काम में ले सकते हैं, स्मॉल फिश काम में ले सकते हैं. जैसे कि ये एक सामान्य एक एंगलर है जो मछली पकड़ता है. उसके बाद में फ्लाई फिशिंग है दूसरी मेथड. फ्लाई फिशिंग इज ए मेथड ऑफ एंगलिंग एम्प्लॉयड इन रॉड 7 to 11 feet लॉन्ग इन द लेंथ. ए सिंपल आर्वर रील और हैवी प्लास्टिक कोटेड लाइन जॉइन टू ए लाइटर नायलॉन लीडर एंड रॉड इज यूज टू कास्ट आर्टिफिशियल फ्लाई मेड ऑफ हेयर, फीदर और सिंथेटिक मटेरियल्स एंड डिजाइन टू इमिटेट द नेचुरल फूड सोर्स ऑफ फिश. एंड Fly fisher snap and long rod back and forth. These are the उस रॉड को आगे और पीछे की तरफ यूं घुमाया जाता है जिससे कि मछली उसमें फंस जाती है. Allowing the heavier weight of the line to propel the nearly weightless fly forward. A simple reel is used to only a certain line and to help in tiring the hooked fish. A species फिश इंक्लूड द ट्राउट एंड सालमन. ये ट्राउट और सालमन को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है. जैसे कि ये आदमी ये ट्राउट और सालमन को पकड़ रहा है जो नदी बहती हुई नदी के अंदर ये इस प्रकार का है, ये एंगलिंग कर रहा है. बेट कास्टिंग, बेट कास्टिंग है. बेट कास्टिंग इज यूजली एम्प्लॉयड ए रील विद अ हैवियर लाइन ऑफन 10 to 20 pound टेस्ट रेंज. लगभग 4.5 kilo से लेकर के 9 kilo वजन का ये होता है. और बेट कास्टिंग ओरिजिनली यूज्ड टू लिफ्ट द मिनोज, मिनोज को पकड़ने के लिए बेट कास्टिंग काम में लिया जाता है. बट ग्रो टू यूज द आर्टिफिशियल ल्योर, पीसेस ऑफ मेटल एंड पेंटेड प्लास्टिक डिजाइन टू इमिटेट फिशेस नेचुरल प्रे एज वेल एज मेटल स्पून एंड स्पिनर्स. मेटल स्पून और स्पिनर्स को इनमें बेट के लिए काम में लिया जाता है. जैसे कि बेस्ट बेटिंग जो बेट कास्टिंग रॉड है ये इस प्रकार की है जिसमें एक आदमी इस प्रकार पकड़ता है. ये इलास्टिक सिटी होती है इसके अंदर यानी मुड़ भी जाती है और उसमें मछली जब फंसती है तो इसमें ये ऊपर की तरफ एक वायर होता है. जैसे कि इसमें ये तो है रॉड, मेटल की रॉड है, इसमें एक वायर है. ये वायर इसके अंदर ये इकट्ठा होता जाता है और वो मछली जो फंसी हुई मछली है इसके अंदर आ जाती है. चौथा है स्पिन कास्टिंग. स्पिन कास्टिंग एंड द बेट कास्टिंग डिफर एसेंशियली इन द टाइप ऑफ रील एंड रॉड लेंथ एंड द लेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ लाइन यूज्ड. द मोस्ट स्पिनिंग रील आर यूजुअली स्पूल्ड विद द लाइटर लाइन ऑफ 6 to 10 pound एंड टेस्ट क्लास. एंड द स्पिनिंग रॉड आर जनरली 6 to 10 feet 1.8 to 3 meters लॉन्ग वाइल द यूजुअली लेंथ ऑफ द बेट कास्टिंग रॉड इज 5 to 6 feet एंड और 1.5 to 1.8 meters लॉन्ग. दिस इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच हैव द 6 to 10 inches लॉन्ग रॉड. नाउ ट्रोलिंग, ट्रोलिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट वेट वेट ऑफ आर्टिफिशियल ल्योर दैट आर ड्रॉन थ्रू द वाटर बिहाइंड ए स्लो मूविंग बोट. धीरे धीरे चलती हुई बोट के पीछे की तरफ ये नेट बांधा जाता है. उस नेट में फंस करके हजारों प्रकार के जो समुद्री जीव हैं वो फंस जाते हैं और उसमें उलझ करके आ जाते हैं. ट्रॉलिंग इज यूजली डन इनलैंड ऑन द लेक्स एंड रिजर्वायर्स बट इट इज ऑल्सो द प्राइमरी मेथड फॉर द बिग गेम फिशिंग इन द ओशन. द मेथड हैज एडवांटेज ओवर द कवरिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ टेरिटरी वेयर द फिश माइट अदरवाइज बी डिफिकल्ट टू लोकेट. ये अगर ये नेट ना लगाया जाए, ट्रोलिंग ना की जाए तो एक एक फिश मछली को पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है.
The correct depth and the speed of the lure are crucial in the method. ये इनका speed, उसकी speed और उसकी जो depth है, वो भी correct depth होनी चाहिए इसके लिए. और ये भी एक बड़ा crucial एक method है. Introduction of sonar equipment in the second half of the 20th century greatly increased the effectiveness of the trolling. Trolling, salmon, large trout, wellies, and pikes are the main species fished by the trolling method. And this is the video which shows the boat is moving on the ocean and a trolley or net is dragging behind it. And when the boat is moving slowly, the net is dragging inside the ocean, collecting the so many several marine animals into the this net. और इस प्रकार से ये समुद्री जीवों को इकट्ठा करने का एक साधन है जिसमें ट्रॉलिंग नेट कहते हैं. ये ट्रॉलिंग नेट में बहुत सारे जीव जंतु इसमें फंस जाते हैं, ना केवल मछलियां बल्कि एनलिड्स और आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क भी फंसते हैं. इसलिए ये जो नेट है, ये ट्रॉलिंग है, ये ज्यादा कारगर विधि होती है. उसके बाद में आगे अगर इसकी बात करें तो इसमें गिल नेट छटा है. गिलनेट, गिलनेट आर द वॉल्स ऑफ स्टेशनरी एंड ड्रिफ्टिंग नेटिंग दैट आर ऑलमोस्ट इनविजिबल टू द फिश. सो स्पीसीज लाइक कॉड, पर्च, साल्मन एंड सार्डिन, ट्राउट स्विम राइट इनटू द देम. सेट ड्रिफ्ट एंड द ट्रमेल गिलनेट आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्फिगरेशंस ऑफ लॉट्स प्लॉट्स एंड द वेट टू सस्पेंड द नेटिंग मोर और लेस वर्टिकली. गिलनेट्स कैन एक्सीडेंटली कैच वल्नरेबल ओशियन एनिमल्स, सी टर्टल्स, मराइन एनिमल्स, मेमल्स एंड शार्क्स. बहुत सारे अन्य एनिमल्स को भी ये पकड़ लेता है. जैसे कि ये फ्लोटिंग नेट है, ये इस प्रकार से ये फ्लोट करता रहता है और इसके अंदर ये आकर के सभी जीव जंतु फंस जाते हैं और उनको पकड़ लिया जाता है. हार्पून्स, हार्पून्स वैसे तो प्राचीन का समय से काम में आने वाला एक ऐसा हथियार है जो फेंक करके मारा जाता है. हार्पून्स आर द पोल्स दैट हैव ए स्टील पॉइंट विद अ वन और मोर बार्स एट द एंड एंड यूजुअली द ड्राइविंग लाइन. यानी उसको वापस भी लिया जा सकता है, वापस भी खींचा जाता है. When a fisherman targets a fish, he thrusts or shoots the harpoon into the animal, hauls it abroad. This traditional fishing method is still used today by skilled anglers to catch the pelagic predators such as the bluefin, tuna and the swordfish. Modern harpoons are shot by guns. जैसे कि ये हार्पून है, इससे मछली पकड़ी जाती थी मोहनजोदड़ो के जमाने से लेकर के और आज तक ये हार्पून काम में आता है. इसमें इसके आगे नोक पर एक या दो नुकीले दांत होते हैं, नुकीले तीर नुमा संरचनाएं होती हैं जो उसको घायल कर देती हैं मछली को या किसी एनिमल को पकड़ने वाले को. उसके बाद में आठवां है बोट सीन्स. बोट सीन्स आर द लॉन्ग नेट्स एंड विद द लॉन्ग रोप्स विद द ईच एंड एंड व्हिच हेरड फिश व्हेन ड्रैग्ड टू टोड दे आर होल्ड ओवर सैंडी एंड मडी बॉटम हैबिटेट. The cloud of the sediment helping the hard fish into the net. Seines are the suspended vertically in the water and float and wait. Some have the bag for the catching fish. Beach seines are the hauled in from the shore and are used to catch the species like Atlantic croakers and Florida pompano and strip mullets. इनको पकड़ने के लिए बोट काम में आती है. ये कि किनारे पर जाकर के यहाँ पर उथला जल होता है, वहां पर इस प्रकार से सेमी सर्कल में ये नेट बांध दिया जाता है और उसमें बहुत सारी मछलियां आकर के फंस जाती हैं और उनको पकड़ लिया जाता है. एंड देयर हैंडलाइंस एंड जिग्स. हैंडलाइंस आर यूज्ड टू कैच द हाई वैल्यू ऑफ टूना, ट्यूना एंड अदर स्पीसीज. दिस गियर इज ऑपरेटेड फ्रॉम द स्मॉल बोट्स एंड कंसिस्ट ए स्मॉल फिशिंग लाइन विद द वेटेड हुक. And while the wearing gloves and fishermen haul line in hand over hand, a jig is a type of grapple and the type of grapple or which is the attached to a fishing line. Jigging involves manually or mechanically moving a jig in the water or lure the prey. प्रे को लुभाने के लिए काम में आता है. एंड देन क्विकली पुलिंग एंड जर्किंग द लाइन ऑफ द हुक्ड हुक फिश और उसको मछली को पकड़ लिया जाता है. जिगिंग फॉर द स्पीड्स आर द यूजुअली डन एट द नाइट एंड द लाइट ऑफ एंटी देम क्लोजर टू द सरफेस. ये ज्यादातर अंधेरे में किया जाता है क्योंकि उजाले में ये जो मोलस्क हैं या स्क्विड्स हैं वो पास में नहीं आते. These handheld fishing methods are considered the environmentally responsible because there are virtually no catch of unwanted marine life or habitat impact.
यानी कि बिना अनवांटेड जो मैरीन लाइफ है उसको नुकसान ना पहुंचे, इसको इसकी भी सावधानी इसके लिए सावधानी बरती जाती है इसमें। जैसे कि ये है एक लाइटनिंग है, ये किनारे पर ये बोट है, बोट में अंधेरे में इनको स्क्विड्स को और मोलस्क को पकड़ा जा रहा है। उसके बाद रिसेंट एडवांसेस क्या हुए हैं, ट्रेंड्स और रिसेंट ट्रेंड्स क्या हुए हैं फिशिंग इंडस्ट्री में। जो फिशिंग इंडस्ट्री है इसमें रिसेंट ट्रेंड्स हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल फिशिंग हुई। इलेक्ट्रिकल फिशिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फिशिंग होती है इलेक्ट्रो फिशिंग इज द यूज डायरेक्टली डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग द बिटवीन द सबमर्ज्ड और कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड को डुबोया जाता है उसमें और माइल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो जो समुद्री मैराइन एनिमल्स हैं वो उसकी तरफ मूव करते हैं। दिस अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ फिश सो दैट दे स्विम टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ मूव करते हैं एंड वेयर दे कैन बी कॉट, जहां पर वो पकड़ लिया जाता है। इलेक्ट्रोफिशिंग इज ए कॉमन साइंटिफिक सर्वे मेथड एंड यूज टू सिंपल फिश पॉपुलेशन टू डिटरमाइन द अबंडेंस डेंसिटी एंड द स्पीसीज कंपोजिशन। When performed correctly or electrofishing result into no permanent harm to the fish which return to their natural state as little as 2 minutes after the being caught. यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर पकड़े जाने के 2 मिनट के अंदर अंदर ये सब जो है ना वो ये किया जाता है। जैसे कि इसने पीठ पर एक बैटरी बांध रखी है जो एक माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है उस पानी के अंदर और उस इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर उनको पकड़ा जाता है। लाइट फिशिंग है, लाइट फिशिंग जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा लाइट जो जल रही होती है, लाइट अंदर जाकर के और अंधेरे में लाइट जलती है तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स और उनको फिर कैच कर लिया जाता है। लाइट फिशिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइट अटैच्ड टू द स्ट्रक्चर्स अबव वाटर एंड सस्पेंडेड अंडर टू अट्रैक्ट द फिश टू स्पेसिफिक एरियाज एंड फैसिलिटेट हार्वेस्टिंग। दिस मेथड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड सक्सेसफुल मीन्स एम्प्लॉयड इन द सम टाइप ऑफ फिशरीज इन द वर्ल्ड टुडे। आजकल ये बहुत ज्यादा काम में आने वाली फिशरीज है, जैसे कि ये लाइट नीचे की तरफ अंधेरे में यानी रात के अंधेरे में ये समुद्र में डूबी गई है और इसमें से लाइट निकल रही है जिससे अट्रैक्ट होकर के मछलियां इसके आसपास आती हैं और वो फंस जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिशिंग इंडस्ट्री एंड फिशिंग विद द नेट। थैंक यू वेरी मच।